दोस्तों बहुत बार प्रॉब्लम आती है फ्रिज में, हमारे घर के फ्रिज में क्या होता है, जैसे ये हुआ टूटा वाला, ये इसका ढक्कन है जो डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है इसका, ये ढक्कन टूट जाता है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये इसका टूट जाता है, तो इसे बदलने में कई बार परेशानी आती है और कई बार टूट नया पीस भी टूट जाता है, तो यहाँ हम आज देखेंगे कि इसको कैसे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले तो फ्रिज को ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारा टूटा वाला पीस है, हमने मार्केट से एग्जैक्ट वैसा ही जिस मॉडल का है मैंने वही मॉडल ले लिया है, वही सेम पीस सेम फ्रिज का वो पीस ले लिया। यहाँ पे देखिए ये इसका ठीक वाला पार्ट है और जो मेरा टूट गया है ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट है, इस वजह से वो फ्रीजर कंपार्टमेंट का कवर निकल गया, तो ये वाला टूट गया, बेकार हो गया, तो मैंने उसकी जगह पर नया लिया है एग्जैक्ट सेम जो उस पर फिट आ गया। ये आपको मार्केट से लेना पड़ेगा अपने फ्रिज के हिसाब से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हम इसको फिक्स कैसे करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो होल हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो होल हैं, जैसे यहाँ पे जैसे देखिए ये होल है इसका कंपार्टमेंट का और यहाँ पे भी एक होल है, इन्हीं होल्स में इसको लगाना है। अब मेन बात ये है कि ये लगेगा कैसे, क्योंकि जो पुराने मॉडल के फ्रिज आते थे उसमें क्या होता था, यहाँ पे स्क्रू होता था जो बहुत इजीली उसको हम खोल के लगा सकते थे, लेकिन अब ये स्क्रू नहीं है, लॉक टाइप का है, तो इसमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे वाली जो ट्रे है इसको हम निकाल लेंगे, ये हमने निकाल लिया और उसके बाद हमने ये लिया, सबसे पहले हम ऊपर की साइड लगाएंगे, जो ऊपर का ये बोल्ट है इसमें ये जो उभरा हुआ पार्ट है उसको लगाएंगे और नीचे वाला पार्ट बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सावधानी रखनी है कि जरा सी भी चूक ना हो। इसको क्या करेंगे, किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे लेंगे, ऐसे लगाना है और इसको ऐसे पुश करना है ऊपर की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर नीचे से नहीं लग रहा है, पहले हमने ऊपर से फिक्स किया, नीचे से नहीं लग रहा है तो हम ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसको पहले नीचे फिक्स कर देंगे, नीचे वाले होल में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से लेके इसको बड़े आराम से थोड़ा सा सावधानी से वाले खांच में घुसाने की कोशिश और ये हमारा लग गया। आप देख रहे हैं दोस्तों ये फ्रीजर का कंपार्टमेंट इसमें लग चुका है और ये इसमें लग चुका, शायद साइज में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। तो ये साइज में थोड़ा सा बिल्कुल नया पीस है, तो ये जो लॉक है यहाँ का, यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है और यहाँ का जो है वो थोड़ा सा उसमें फिट नहीं आ रहा, वो दो चार बार जब हम इसको फिक्स करेंगे, दो चार दिन हमें थोड़ा सा सावधानी इसको लगाना पड़ेगा और सावधानी से खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे गैप स्लाइटली बढ़ जाएगा, तो ये बहुत ईजिली इसमें लगने लगेगा दो चार दिन के बाद। फिलहाल के लिए ये फिट हो गया है। इसमें जो सबसे सावधानी वाली बात है, यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, अगर नहीं लग रहा है ऊपर से नहीं नीचे से नहीं लगा, पहले नीचे से ट्राई करना है जो मैंने पहले दिखाया, अगर नहीं लग रहा है तो पहले नीचे फिक्स कर देना, ऊपर साइड से करके जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से लगा के उसको पीछे की तरफ स्लाइड करना है आराम से, बहुत बिना ताकत लगाए, और ये आपका फ्रीजर का डोर फिक्स हो गया। ये हमने ट्रे लिया और ट्रे को फिक्स कर दिया, फ्रिज ऑन है और आपका फ्रिज चालू है, ये आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट डोर लग चुका है, दो तीन दिन से आना है ना ऐसे करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।